उत्तर प्रदेश में मारपीट, हत्या और विवाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यहाँ लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मैनपुरी जिले में सामने आया है, जहाँ खंडजा निर्माण के समय नाली को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें एक वृद्ध की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल मामला बैवर थाना इलाके का है, जहां गांव सकत बैवर में रविवार को खंडजा और नाली निर्माण का कार्य चल रहा था। वहीं नाली के स्थान को लेकर रिटायर्ड शिक्षक किशन पाल सिंह और रामबाबू तिवारी के बीच विवाद हो गया। उसी समय दोनों पक्षों को शांत करा दिया गया था, लेकिन दोपहर के बाद फिर से दोनों पक्षों में विवाद हो, जिसमें किशन पाल समेत दोनों पक्षों के चार लोग घायल हो गए, जबकि किशन पाल की गंभीर हालत होने पर परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया। वहीं एएसपी मधुमन सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। मामला खड़ंजा बिछड़ा, हमारे पिताजी खेत से आए तो ये लोग ईंटा पीटा हटाए, उन्होंने मना कर दी, उसके बाद ईंटा पीटा चलाई, अभी सब इकट्ठे हो गए, हमारे दरवाजे चौथा चढ़ गए, ईंट डंडा बंदूक राइफल जैसे लेकर असल धमकाओ बेदमी। कौन लोग थे? पंडित लोग थे। क्या नाम था? अरे पप्पू हैं, मुरारी हैं, सतानंद हैं, उनके रेखा हैं, पप्पू रेखा, मुरारी रेखा, जी लोग हैं जी। इन लोगों ने इकट्ठे कराए हुए कहें घर पर हमला किया हमारे बरामदे। क्या बजे घटना है? ये 12 से लेकर 12:15 बजे जी। पुलिस को कब सूचना दिया? सूचना दी है 12:30 करीब, 1:15 सूचना दे दिया। यहाँ आज लगभग 1 बजे से 1:30 बजे के बीच गाँव में खड़ंजा बिछाया जा रहा था, जहाँ दो पक्षों में विवाद हो गया है और इसमें ईंट पत्थर चले, जिससे ये किशनपाल सिंह सनौप शिवराम सिंह है, इनकी लगभग 70 वर्ष उम्र है, ये घायल हो गए और इन्हें इलाज के लिए फरुखाबाद ले जाया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान बताया गया कि इनकी मृत्यु हो गई है। मौके पर है, शांति बनी हुई है और जो पुलिस द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। सर, मौके से कोई अभी तक गिरफ्तार हुए? अभी यहाँ कोई भी ऐसी गिरफ्तारी नहीं हुई है जी। और अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, उनके घर वालों से परिवार वालों से संपर्क करके तहरीर ली जा रही है जी। और मुकदमा पंजीकृत, इसमें कार्रवाई की जाएगी।